जब आप इसका एक आरएस बनाएंगे तो उसमें आरएस में तो चार्ज घूम के आएगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए आप, तो आप इसका डबल बॉन्ड इधर घुमाइए, पॉजिटिव चार्ज और इसका लोन पर इधर घुमाओगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इसके आरएस में बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन से। पॉजिटिव चार्ज होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। देखो अपने क्लास बंद करें, राइट से जल्दी बैठो, बैठो चले कर ना, ये बन जाओ सत्ता रे, शो मस्ट गो ऑन। तो पॉजिटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, वन ऑफ द आरएस में पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, इसलिए बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो यहां पे बी ए, सिक्स मेंबर रिंग इज स्ट्रेनलेस, फाइव मेंबर रिंग इज स्ट्रेनफुल, सोलो एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है। तो जो सिक्स मेंबर रिंग है वो सिक्स मेंबर रिंग जो है हाँ have zero strain, strainless, so six member ring is more stable than five member ring, यहाँ पर और कोई criteria आए नहीं, over aromatic, over aromatic, उससे नहीं देख सकते, aromatic से दोनों, अगर resonance हो, effective resonance की तो बाद बाद में करेंगे, पहले तो aromatic से की आ रही है, इसमें, ये की बात है, ये aromatic है, और ये, anti aromatic है, ये normal है, anti, एंटी एरोमेटिक। और सुनो, हेलो, एंटी काय को है, ये नॉन एरोमेटिक क्राइटेरिया में आएगा भाई, इसके रेजोनेंस करने से मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम आएगी, तो मॉलिक्यूल में अगर इसके रेजोनेंस करने से प्रॉब्लम आएगी तो वो sp3 हाइब्रिड हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएगा और फिर वो रेजोनेंस के प्लेन में रहेगा नहीं, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, सही है। और प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए एरोमेटिसिटी करने के लिए, यहाँ रेजोनेंस करने के लिए। तो वो कभी भी नेगेटिव चार्ज वाला केस होता है, लोन पेयर वाला केस होता है ना, तो उससे अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा हो तो उसमें जाते ही नहीं, करवाई देता फिर नॉन एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। ऐसे ही यहाँ है ये, हाँ ये ये एंटी एरोमेटिक, क्यों? हाँ पॉजिटिव चार्ज में तो sp2 होने का ही एक ही केस है, वहां पे sp3 तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, वो एटम sp3 हो सकता है और sp2 हो सकता है, उसका नेगेटिव चार्ज है लोन पे अगर रेजोनेंस पे जा रहा है तो sp2 हो जाएगा और अगर नहीं जा रहा है तो sp3 हो जाएगा। ये ये हमारी जो है कुछ कंसेप्ट है इक्विवेलेंट आरएस वगैरह की, इसी इक्विवेलेंट आरएस से बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे अपन उसमें पढ़ेंगे, किसमें, बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर किसमें पढ़ेंगे, बॉन्डिंग में, समझ रहे हो। लेकिन
लेकिन बॉन्ड ऑर्डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी निकाला जा सकता है जिन मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट आ रहे हैं उनसे, समझ में आया कि नहीं? तो नेक्स्ट हेडिंग है बॉन्ड ऑर्डर। ये दिख रहा है कि नहीं? देखो सीधी सीधी डेफिनेशन है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड्स अराउंड एन एटम। डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आटम्स। अब जिसके अराउंड इक्विवेलेंट आटम्स होते हैं उसी के अराउंड बॉन्ड काउंट किए जाते हैं। जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस, तो इस कार्बन के अराउंड बॉन्ड काउंट किए जाएंगे, और वो भी कौन से जो इक्विवेलेंट ऑर्डर्स में इन्वॉल्व है, केवल रेगुलेंस में जो इन्वॉल्व है वही बॉन्ड काउंट होगा। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आएगा, 1.5। हां देखिए इक्विवेलेंट ऑर्डर्स में जहां पर रेगुलेंस हो रहा है जितनी जगह पे उस तरफ कितने बॉन्ड है, तो कार्बन ने दो बॉन्ड इस तरफ बना रखे और एक बॉन्ड इस तरफ बना रखा है जिधर इक्विवेलेंट ऑर्डर्स हो रहा है ना। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2, इसलिए दो इक्विवेलेंट ऑर्डर्स। ठीक है, बी पार्ट जैसे मान लो तो बचा कार्बोनेट सी डबल बॉन्ड हो ओ ओ माइनस माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। इसके तीन आर एस आएंगे, तीन आर एस आएंगे। आप इनको ऑक्सीजन एटम को नंबर दे दो 1 2 3, तो एक बार 2 3 पे निगेटिव चार्ज आएगा, एक बार 1 3 पे आएगा, एक बार 1 2 पे और एक बार 1 2 पे आएगा। और कोई जुड़ा बन रहा है क्या? नो सर। ये बन रहा ना, सारे आते हैं 3 2, ये आ जाएगा 4/3। बताओ अच्छा बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर? 1/5। और एक सिग्मा बॉन्ड का 1 + 1/2 सेम ही बात है, वो एक ही बात है, उसी बात को तो रोड के पेश किया है। सही है,
एक ही बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया बाकी सेम बात है, ठीक है, वैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए, बाकी सब ऐसे ही है। आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर आंसर बताए तो दो एक्सप्लेनेशन दे दो सब सही है ना, यही होता ही एक्चुअली। इवन क्या हुआ एक बार, एक एचओडी अपनी बुक लिखी हुई बुक एक्सपीरियंस क्लास में डिस्कस करा रहा था, किसी एवन के बच्चे ने डाउट पूछा तो उन्होंने उसके तीन ऑप्शन दिए, उसमें गलती उनकी नहीं, गलती सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट ही है, उन्होंने खुद बुक लिखी है, अरे लिखी हुआ आंसर पता ही, जैसे मैं ऑर्गेनिक की बुक लिख रहा हूँ मेरे को अपने ऑर्गेनिक की बुक में ये भी पता है कि इस पहले पे मैंने क्या लिखा होगा, पहले पेज में क्या लिखा होगा सब पता है मुझे, क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखी है ना, और मैं भी यहीं कहीं से टॉप टॉप दूँ, हाँ भी आई नहीं है कुछ मार्च से आई भी आई अभी तो क्या दो दो टाइप के सवाल है, इसलिए वहाँ तक काम चल रहा है तुम वो तो काम मेरे रोक गया था, मैं वाइब्रेट चला के काम रोक गया, नहीं तो मैं बोलता कि मैं बन सकती हूँ उसको कुछ कॉन्च करके बाहर नहीं नुकसान कर दे देखो सर आपका नुकसान हो फायदा हो मेरे को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरे को बच्चे की भविष्य से ज्यादा किसी चीज से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, कल कंप्लेन करेंगे बॉन्ड लेंथ, यस और देखो दीपावली आ रही है, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, देखिए थोड़ा सा बात